हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनलिमिटेड एजुकेशन पे। यहाँ पे मैं आपको बात करने जा रहा हूँ रेलवे जेई भर्ती 2019 को लेकर के। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको हर एक डिटेल्स जो भी नोटिफिकेशन वगैरह आएगा अपडेट करता रहूँगा। यहाँ पर देखो, कुछ दिन पहले आपका रीशेड्यूल हुआ था 4 जगह का एग्ज़ाम, लेकिन अभी क्या किया है, बढ़ा दिया गया है। वैसे तो रेलवे क्या करता है, जिसका भी एग्ज़ाम रीशेड्यूल किया जाता है उसको पर्सनल मैसेज और मेल कर देता है, ताकि किसी के साथ कोई दिक्कत ना हो। लेकिन फिर भी हर एक चीज़ पता होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई मिस्टेक आपसे होता है तो ये आपके कैरियर से रिलेटेड हो जाता है। तो अब जो है सो 9 जून का एग्ज़ाम को रीशेड्यूल कर दिया गया है। पहले 4 जून का था, अब 9 जून का है। और यहाँ पे क्या करना है, आप सभी को चेक करना है। जैसे कि मैं मान के चलो कोई सा भी अगर रेलवे का साइट खोल करके आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि मैंने RRB चंडीगढ़ खोला है। यहाँ पे 11 तारीख है, क्योंकि लिंक वही है, लेकिन इस पर क्या करोगे, क्लिक करोगे तो यहाँ पर अपडेट कर देता है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, ई कॉल लेटर सिटी इंटीमेशन फ्री ट्रेवल पास अथॉरिटी एंड मॉक टेस्ट फॉर रीशेड्यूल्ड कैंडिडेट ऑफ CBT स्टेज 2। तो जब आप इस पर क्लिक करते हो तो देखो, पहले 4 जून आता था, अब क्या अलाहाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, चेन्नई, जम्मू, मालदा, बिलासपुर, चंडीगढ़, कोलकाता, इतने जगह पे जो है सो किसी न किसी प्रॉब्लम की वजह से किसी का कोई एक शिफ्ट में, किसी का कोई कंप्यूटर हैंग कर गया हो या क्वेश्चन पेपर लीक हो गया हो, अलग अलग मैटर है अलग अलग जगह पे। इस सब से रिलेटेड क्या किया गया है, उसने आपका एग्ज़ाम को ही रीशेड्यूल कर दिया है। तो आप लोगों का काम क्या है कि लिंक पे क्लिक करके एक बार अपना चेक कर लेना अच्छे से, ठीक है, अच्छे से आप लोग चेक कर लेना, ताकि अगर आपका हो तो आप लोग अपना एग्ज़ाम दे सको। कहीं ऐसा ना हो कि आपको पता ना चले और आपका एग्ज़ाम हो जाए और आप एब्सेंट मार दो और आपका सिलेक्शन रुक जाए। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि अपडेटेड रहो हमेशा। कोई भी चीज़ कहीं से भी पूरे इंडिया में कुछ भी अगर आता है रेलवे से रिलेटेड, कोई भी हल्का सा चेंजेस, तो आपको बता दिया जाएगा इस चैनल पे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको हर एक चीज़ समझ में आ गया होगा। आप लोग लॉग इन करके जो है एक बार अच्छे से देख लो कि क्या आपका भी एग्ज़ाम रीशेड्यूल हुआ है या नहीं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय, थैंक यू।